Good morning, students. Good morning, students. Today I'm going to teach you some uses of the prepositions. Here is, first of all, you can see table, and this is the box. If I ask, मैं अगर किसी बच्चे से पूछता हूँ, where is the box? Box कहाँ पर है? And you can see table. Box कहाँ पर है? आप लोग देख सकते हो, ये क्या है? ये दोनों इसके साथ surface touch कर रहे हैं, touch. ये table और table के ऊपर box. Box का complete layer इसके साथ क्या है? Touch है. तो क्या यूज करना चाहिए मुझे? ऑन. देयर इज अ बॉक्स ऑन द टेबल. क्यों? क्योंकि इन दोनों का एक फिजिकल टच है. गॉट इट? यहां पर क्या है? एक बॉल. बॉल कहां पर है? बॉल, द बॉल इज अंडर द टेबल. क्यों? इनके बीच में कोई भी फिजिकल टच कोई भी फिजिकल टच नहीं है. हमें पता है ओवर में हम क्या यूज करते हैं? वर्टिकल. टच भी होता है, नहीं भी होता, लेकिन इसी चीज को जब नीचे लेके आते हैं तो यहां पर फिजिकल टच नहीं मिलेगा. तो क्या यूज करेंगे हम? क्या यूज करेंगे? अंडर. समझाया सभी को? मींस ये क्या है? यहां पर फिजिकल टच नहीं है, तो इसीलिए ये बॉल कहां पर है? टेबल के नीचे. द बॉल इज अंडर अ टेबल. नेक्स्ट, एक लड़का है ये और एक लड़की है. अब मैं क्वेश्चन करता हूं, वेयर इज द गर्ल? लड़की कहां पर है? तो आप क्या कहोगे? लड़की लड़के के पीछे है. तो पीछे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिहाइंड. यस, असेंबली में देखते हैं हम लोग, एक लड़का एक लड़की के पीछे खड़ा है. सपोज करो उसका नाम रमेश है. मैं कहता हूं, रमेश कहां पर? उस तो सर इस लाइन में, मैं इसके पीछे खड़ा हूं. तो क्या मीन्स है? लड़की लड़के के क्या है? पीछे है. अगर मेरा क्वेश्चन ये होता है, वेयर इज द बॉय? तो बॉय कहां पर है? लड़की के आगे. तो आगे के लिए क्या बोलते हैं? इन फ्रंट ऑफ. लड़की लड़का कहां पर है? लड़की से आगे खड़ा है. तो किससे है? इसे बोल सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट टू भी बोल देते हैं. उसके बाद क्या है हमारे पास थर्ड पिक्चर में? यहां पर एक लड़का ये है, एक लड़का ये है. मैं कहता हूं, ये लड़की कहां पर खड़े हैं? हाँ, एग्जांपल होगा, सर ये तो रोड पर खड़े हैं या कहीं कहीं पर खड़े हैं. बट मैं, मुझे एक प्रेपोजिशन पूछना है. मैं कहता हूं, ये लड़का और ये लड़का एक दूसरे के क्या खड़े हैं? बिसाइड मीन्स पास में. लड़का, ये दोनों लड़के कहां पर खड़े हैं? दे आर स्टैंडिंग बिसाइड ईच अदर. एक दूसरे के कहां खड़े हैं? पास में. अगर मैं यहां पर कहूं नियर, आप कहते हो सर नियर भी यूज कर सकते हैं. हाँ बेटा, यूज कर सकते हैं नियर, बट किस कंडीशन में? जब दो बिल्डिंग्स, दो थिंग्स डिस्टेंस हो उनके बीच में. क्या हो? डिस्टेंस. ये तो क्लोज है, लेकिन डिस्टेंस होगा तो हम क्या यूज करेंगे? नियर. गॉट इट? तो नेक्स्ट पे आ जाए. अब यहां पर मैंने क्या बना दिया? एक सर्कल बना दिया. आई हैव मेड अ सर्कल. मैंने कहा, लड़का कहां पर है? एक बाउंड्री के अंदर है. तो लड़का कहां पर है? इनसाइड द सर्कल. अगर मैंने कह दिया लड़का कहां पर है, तो आप क्या कहोगे बेटा? आउटसाइड द सर्कल. द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द सर्कल. अब नेक्स्ट पिक्चर है मेरी, ये वाली. अब मैं कहता हूँ बॉक्स ये है, और बॉक्स के नीचे क्या रखा है? एक रिमोट रखा है. बॉक्स के नीचे क्या रखा है? एक रिमोट. रिमोट कहाँ पर है? रिमोट की पोजीशन बताओ मुझे, प्लेस बताओ. तो कहोगे सर रिमोट बॉक्स के नीचे है. तो सिर्फ बच्चे कहेंगे अंडर सर. ये नहीं आएगा अंडर, क्या आएगा? बीनीथ. बीनीथ का मतलब क्या होता है? नीचे. क्या होता है? नीचे. क्योंकि इसका फिजिकल टच नहीं होगा अंडर में, और इसका क्या होगा? फिजिकल टच.
इसमें बेटा फिजिकल टच होगा, याद रखना, इसमें क्या होगा फिजिकल टच और इसमें फिजिकल टच नहीं होगा। अब मैं इस पिक्चर में आ जाता हूँ, यहाँ पर एक मैन है और एक ये है वुमन है, एक ये बॉय है। तो मैं कहता हूँ बॉय कहाँ पर खड़ा है, तो कहोगे द बॉय इज स्टैंडिंग बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। मैंने कल आपको बताया था बिटवीन, बिटवीन का मतलब कहता है बीच में, बीच में क्या होता है बीच में। तो ये लड़का कहाँ पर खड़ा है, एक औरत और एक आदमी के बीच में खड़ा है। अगर मैं एक पिक्चर और बना दूं, एक पिक्चर और बना दूं, तो मैं कहूंगा अब लड़का कहां पर खड़ा है, तो आप क्या बोलिए लड़का किसके बीच में खड़ा है, लोगों के बीच में खड़ा है। तो उसके लिए क्या यूज करता हूं मैं अमंग, अमंग का मतलब भी क्या होता है बीच में, बट ये दो दो के लिए लगता है तो ये बहुत बहुत के मीन्स दो से ज्यादा। ठीक है जी, हैव यू गॉट माय पॉइंट। बेटा इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ना है। आई हैव फेस्ड द प्रॉब्लम्स इन द जुपिटर एंड द वीनस सेक्शन, सो आई हैव मेड दैट। नाउ नेक्स्ट इज एक झोपड़ी यहां पर है, एक झोपड़ी यहां पर है और बीच में एक सड़क है। इस घर के सामने कौन सा घर है, एक घर है, बट जब यहां पर क्या होता, बीच में रोड नहीं होता, तो मैं क्या यूज कर देता इन फ्रंट ऑफ फेस टू फेस। बट यहां पर क्या है बीच में अगर कोई भी चीज आ जाएगी, रोड आ गया, कुछ भी आ गया, कैमरा, आप कैमरे से फोटो खींच रहे हो किसी की, एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा है तो ऑपोजिट खड़ा है वो आपके, क्यों कैमरा आपके बीच में है भाई, वो लड़का और आप जो फोटो खींच रहे हो और कैमरा आपके बीच में, तो ऑपोजिट साइड खड़ा है वो। तो यहाँ पर यही बात है, रोड बीच में है और ये झोपड़ी के जो ऑपोजिट एक झोपड़ी है, तो यहाँ पर क्या हुआ ऑपोजिट, ऑपोजिट मीन्स यहाँ पर क्या है विपरीत, का मीन क्या होता है विपरीत। यहाँ पर आप देख सकते हो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, इन फ्रंट ऑफ होता है आगे, यहाँ पर आउटसाइड बाहर, इनसाइड अंदर, अंडर नीचे, यहाँ पर ऑन ऑन में बोलते हैं पर, यहाँ पर क्या होगा बीनीथ नीचे, बट नॉट फिजिकल टच, बिटवीन होता है दो के बीच में, अमंग बहुत सारों के बीच में, यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट विपरीत, बिसाइड पास में। तो ये एग्जाम्पल्स आपके प्रेपोजिशंस के हैं। सभी बच्चे अपने अपने कॉपीज में दे विल राइट द चैप्टर प्रेपोजिशन and till tomorrow they will complete and I'll check the fair notebook of all students, चाहे वो जुपिटर हो, वीनस हो, मून हो, सन हो, अर्थ हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।